हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल रंबल पेपर व्यू के प्रेडिक्शंस के बारे में। दोस्तों, रॉयल रंबल के लिए बाकी है बस कुछ ही दिन और हमें इस पेपर व्यू में काफी मजा आने वाला है। काफी सारे शॉकिंग मोमेंट्स, जबरदस्त मैचेस एंड एपिक रिटर्न्स हमें देखने मिलने वाले हैं इस पेपर व्यू में। तो कौन होंगे रॉयल रंबल के सारे मैचेस के विनर, कौन से शॉकिंग थिंग्स हमें देखने मिलेंगे रॉयल रंबल पेपर व्यू में, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फर्स्ट मैच इज दोस्तों फॉर विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप, शार्लेट एंड आस्का वर्सेस शायना बेसलर एंड नाया जैक्स। दोस्तों, ये जो मैच है वो काफी अच्छी होगी, काफी तगड़े एथलीट्स है इस मैच में और एक शॉकिंग थिंग हमें देखने मिल सकती है इस मैच में। लेसी एवंस जो है वो कॉज कर सकती है शार्लेट को यह मैच और इसी का फायदा उठाकर नाया जैक्स एंड शायना बेसलर विक्ट्री हासिल कर सकती है। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग गॉड्स, आई पिक द विनर एंड योर न्यू विमेंस टैग टीम चैंपियंस नाया जैक्स एंड शायना बेसलर। नेक्स्ट मैच इज बॉबी लैशली वर्सेस मैट रिडल फॉर यूएस चैंपियनशिप। दोस्तों, ये जो मैच है वो ऑफिशियल नहीं हुई है रॉयल रंबल के लिए, पर इसके होने के काफी चांसेस बनते हैं। हमने ड्रॉ में एक गॉन्टलेट मैच देखी जहां पर मैट रिडल ने हर्ट बिजनेस टीम को हरा दिया और ऐसे उन्होंने अर्न कर दिया एक अपॉर्चुनिटी टू फेस बॉबी लैशली फॉर यूएस चैंपियनशिप। अब काफी चांसेस है कि ये मैच हमें देखने मिले एट रॉयल रंबल। दोस्तों, अगर ये मैच होती है ऑफिशियल बाय WWE तो मुझे लगता है कि काफी चांसेस है कि ये मैच जीत सकते हैं मैट रिडल। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स, आई पिक द विनर एंड योर न्यू यूएस चैंपियन मैट रिडल। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं 30 विमेन रॉयल रंबल मैच की। ये मैच काफी एक्साइटिंग होगा दोस्तों, काफी सारे सरप्राइजेस हमें देखने मिल सकते हैं इस मैच में। और ये जो 30 विमेन रॉयल रंबल मैच है वो जीतने के तीन जन के सबसे ज्यादा चांसेस है और वो है बियंका बेलेयर, एलेक्सा ब्लिस एंड रिया रिप्ले। तो मेरे हिसाब से ये मैच जीतनी चाहिए बियंका बेलेयर। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग गॉड्स, आई पिक द विनर बियंका बेलेयर। नेक्स्ट इज फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवंस, अ लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। ये पॉसिबली द लास्ट चैप्टर होने वाला है केविन ओवंस एंड रोमन रेंज का और ये खत्म होगा एट रॉयल रंबल। और इन दोनों की लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने वाली है जो काफी कमाल की होगी। ये दोनों जन फाइट करेंगे ऑल ओवर द अरीना, मैच काफी अच्छा होगा और केविन ओवंस जो है वो काफी डोमिनेट करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंज के ऊपर, क्योंकि यही चीज हमने देखी थी TLC पेपर व्यू में। इस मैच में जो जे उसो है वो इंटरफेयर कर सकते हैं, तो हमें देखना होगा कि केविन ओवंस कैसे डिफेंड करते हैं खुद को अगेंस्ट लाइक्स ऑफ रोमन रेंज एंड जे उसो। पर दोस्तों, जो भी है, रोमन रेंज के टाइटल हारने के चांसेस जरा भी बनते नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि रोमन रेंज ये विक्ट्री हासिल कर ही लेंगे और रिटेन करेंगे अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग गॉड्स, आई पिक द विनर एंड स्टिल योर यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज। और दोस्तों, बात करें 30 मैन रॉयल रंबल मैच की, तो उनके एंट्री प्रेडिक्शन हमने बनाई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखिए, ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा वहां पर आप क्लिक करिए और आप वो वीडियो देख सकते हैं जो काफी कमाल की है। नेक्स्ट इज फॉर WWE चैंपियनशिप, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग। दोस्तों, ये जो मैच है वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग, अनप्रेडिक्टेबल एंड शॉकिंग होने वाला है। मैच तो शॉर्ट ही होगा, इतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि गोल्डबर्ग की वो मैच है, बट मजा जो है वो डबल होने वाला है। एक्साइटमेंट, शॉकिंग फैक्टर, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, सब कुछ डबल होने वाले हैं इस मैच में। और इन दोनों की मैच है ना काफी जबरदस्त होगी। दोस्तों, देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि गोल्डबर्ग कितने स्पीयर्स देते हैं ड्रू मैकइंटायर को बिफोर पिकिंग हिम फॉर अ जैकहैमर, एंड ड्रू मैकइंटायर कामयाब होते हैं गोल्डबर्ग को टेक डाउन करने के लिए विद हिज क्लेमोर किक। और आखिर ड्रू मैकइंटायर की कितनी क्लेमोर किक लगती है गोल्डबर्ग को हराने के लिए ये मैच। बैटिंग ऑर्ड्स जो है वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि ड्रू मैकइंटायर फेवरेट ये मैच जीतने के लिए, पर गोल्डबर्ग के जो बैटिंग ऑर्ड्स है वो नजदीकी है। पर मुझे ये चाहिए कि गोल्डबर्ग ये मैच जीते, क्योंकि हमने देखा है गोल्डबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड, जब भी गोल्डबर्ग आते हैं तभी वो चैंपियनशिप जीतते ही है। केविन ओवंस के साथ देख लो, फीन के साथ देख लो। तो इस बार भी मुझे लगता है कुछ ऐसा ही सीन होने वाला है, गोल्डबर्ग हरा देंगे ड्रू मैकइंटायर को और जीतेंगे WWE चैंपियनशिप।
और वैसे भी अगर गोल्डबर्ग जीते हैं WWE चैंपियनशिप तो ये उनका होगा फर्स्ट WWE चैंपियनशिप इन इस एंटायर करियर। और वैसे भी अगर गोल्डबर्ग जीते ड्रू मैकइंटायर को हराकर तो स्मार्क्स काफी रोने वाले हैं और मैं यहाँ पर खुश होके स्माइल करूंगा। सो लेट्स सी क्या विंस डिसाइड करते हैं गोल्डबर्ग को जिताना या फिर विंस डिसाइड करते हैं ड्रू मैकइंटायर को, पर मैं पर्सनली चाहता हूँ कि गोल्डबर्ग ही जीते। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स आई पिक द विनर एंड योर न्यू WWE चैंपियन गोल्डबर्ग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द ह्यूज मैच दैट इज 30 मैन रॉयल रंबल मैच। दोस्तों ये जो मैच है वो काफी कमाल का एंड अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है, क्योंकि इस साल का जो रॉयल रंबल है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल है। कौन जीतेगा, किसकी सरप्राइज एंट्री होगी, इसके लीक्स अब तक आए नहीं है। विंस ने वो एकदम कॉन्फिडेंशियल रखे हैं, पर काफी चांसेस है कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर इस मैच में आ सकते हैं, क्योंकि WWE हैविली प्रमोट कर रही है ब्रॉक लेसनर को। एंड रिसेंटली WWE BT स्पोर्ट्स ने एक जो पोस्ट डाला है वहां पर हिंट दिया है कि ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं इस मैच में। वैसे तो डैनियल ब्राइन है बैटिंग ऑड्स के टॉप पोजीशन पर मैं जरा भी नहीं देखना चाहता डैनियल ब्राइन को ये मैच जीतते हुए, क्योंकि डैनियल ब्राइन का कोई भी सेंस नहीं बनता है मैच जीतने का और उनके पास जरा भी मोमेंटम है ही नहीं। तो दोस्तों अगर ब्रॉक लेसनर ये मैच में आते हैं तो उनके जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और बात करें दूसरे बड़े शॉकिंग नेम की तो वो हो सकते हैं इस मैच में मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना। आपको पता ही होगा कि रिपोर्ट्स ये आए थे कि रेसलमेनिया 37, 38 एंड 39 के लिए जॉन सीना फिक्स हो चुके हैं, और रिपोर्ट्स ये आए थे कि WWE जॉन सीना को रेसलमेनिया 37 में वर्क कराएंगे ही। तो अगर उनका एंगल कोई सेटअप करना है तो बेस्ट टाइम हो सकता है रॉयल रंबल में। तो अगर सीना एंड ब्रॉक आते हैं रॉयल रंबल में तो ये रॉयल रंबल जो है वो काफी इनक्रेडिबल होगा, 5-स्टार रॉयल रंबल होगा ये। और फिर ऐसे हमें ब्रॉक लेसनर एंड जॉन सीना का कन्फ्रंटेशन भी देखने मिल सकता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो हमें देखना होगा कि कौन से सरप्राइजेस आते हैं इस रॉयल रंबल में, और क्या द बीस्ट इनकार्नेट आते हैं रॉयल रंबल में, और क्या हमारे जॉन सीना आते हैं, और क्या इन दोनों को होता है फेस ऑफ एंड तगड़ी फाइट। मेरे हिसाब से दोस्तों डैनियल ब्राइन नहीं बल्कि ब्रॉक लेसनर जीतने चाहिए ये रॉयल रंबल मैच और चैलेंज करने चाहिए यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को एट रेसलमेनिया। तो फिर रोड टू रेसलमेनिया है वो काफी धमाकेदार होगा। अगर दोस्तों ब्रॉक लेसनर नहीं जीतते हैं रॉयल रंबल, और अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कोई करंट रेसलर रॉयल रंबल मैच जीते, तो मेरे हिसाब से वो होने चाहिए द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महाल। अगर ड्रू मैकइंटायर हराते हैं गोल्डबर्ग को और अगर जिंदर महाल रॉयल रंबल जीतते हैं तो जिंदर चैलेंज कर सकते हैं ड्रू को फॉर इस WWE चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। और फिर ये ब्लॉकबस्टर मैच ड्रू वर्सेस जिंदर हमें देखने मिलेगी एट रेसलमेनिया फॉर WWE चैंपियनशिप बिटवीन दीज टू बेस्ट फ्रेंड्स। पर अगर पार्ट टाइमर्स की बात करें तो ब्रॉक लेसनर ही है परफेक्ट गाय टू विन दिस रंबल। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स आई पिक द विनर द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और दोस्तों मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आपने हमारी 30 मैन एंट्री प्रेडिक्शन की वीडियो नहीं देखी है और आप वो वीडियो देखिए, काफी कमाल की वीडियो है। तो दोस्तों ये थे हमारे रॉयल रंबल के प्रेडिक्शंस। इतने मैचेस बुक हो चुके हैं और एक जो हमने बताई है वो न्यू है, वो अब तक ऑफिशियल नहीं हुई है, पर और भी दूसरे मैचेस ऐड हो सकते हैं इन द प्रोसेस। तो हमें देखना होगा कि आने वाले टाइम में कितने मैचेस ऐड होते हैं फॉर रॉयल रंबल। जितने थे मैचेस उनके हमने प्रेडिक्शंस बना दिए इस वीडियो में। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगे हमारे वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आप अपने प्रेडिक्शंस लिखिए इन सारे मैचेस के बारे में इन द कमेंट सेक्शन, एंड सेकंड क्या आपको चाहिए कि ब्रॉक लेसनर जीते 30 मैन रॉयल रंबल मैच। सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।